Hello dear learners of class 8, today we are going to discuss the chapter exercise of your book, chapter number 15, that is Natural Phenomena. Dear students, the first exercise is the get ready exercise. As you know that some natural phenomena cause huge damage to life and property, or aise natural phenomena ko hum kya bolte hain, natural disaster bolte hain. अब यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उस क्लू को पढ़ के और समझ के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा नेचुरल फिनोमिना है और आपको उसका नाम लिखना है. तो फर्स्ट है आपके पास क्लू, स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स आर अकम्पनीड बाय हैवी रेन थंडर एंड लाइटनिंग. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो अकम्पनीड है किसके साथ, हैवी रेन और थंडर और लाइटनिंग के साथ. तो इसको हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म. देन नेक्स्ट सेकंड, अ वायलेंट स्टॉर्म दैट इज अकम्पनीड बाय सर्कुलर विंड एंड हैवी रेन एंड टाइडल वेव्स. तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोन. देन थर्ड, अ नैरो फनल कॉलम ऑफ एयर रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, उसको बोलते हैं टॉर्नेडो. ये देखो इस तरीके से आपको दिखता है तो उसको बोलेंगे टॉर्नेडो, वैसे तो ये साइक्लोन के लिए है. देन फोर्थ, अ ह्यूज स्पार्क प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज नोन एज लाइटनिंग. देन फाइव, अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड सडनली ऐसे शेक करने लगता है तो उसको बोलेंगे अर्थक्वेक. देन नेम टू मोस्ट रीसेंट साइक्लोन दैट ऑकर्ड इन इंडिया, तो फेनी 2019 एंड बुलबुल 2019. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट टू सेफ्टी मेजर्स टेकन ड्यूरिंग अ साइक्लोन. जब साइक्लोन आएगा तो आपको दो सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे. तो पहला सेफ्टी मेजर आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स, की जो वेदर फॉरकास्टिंग सर्विस है उस एरिया की दे दी जाए, है ना. तो यहाँ पे आपको पहला मेजर जो है वो आप लिख सकते हैं साइक्लोन फॉरकास्टिंग सर्विस, है ना. अगर पहले से ही आपको फोरकास्टिंग मिल जाएगी साइक्लोन के एरिया की तो वो इजी रहेगा आप लोगों के लिए. देन सेकंड क्या है कि वार्निंग जो है उसको कम्युनिकेबल करना पड़ेगा रैपिडली टू द सिटीजन. तो वार्निंग शुड बी कम्युनिकेबल या कम्युनिकेटेड rapidly to the citizens. और citizens को ही नहीं, वहाँ पे काम करने वाली जितनी भी government या non-government agency है, ठीक है, ships है जो sea में sail कर रही हैं, fishermen है, उन सब को ही ये देना पड़ेगा, है ना, warning जो भी है. Then moving to the next, that is the practice time 1 exercise. You need to write T for true and F for false and correct the false statement. So first, two negative charged bodies attract each other. दो negatively charged body एक दूसरे से attract करेगी क्या, नहीं. ये attract की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ripple, ठीक है. तो ये sentence हो जाएगा two negative bodies ripple each other, तब जाके ये statement true होगा, otherwise it will remain false. Second, in an electrically न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज ट्रू. देन थर्ड, इन द चार्जिंग बाय इंडक्शन द बॉडी टू बी चार्ज ऑब्टेन द सेम चार्ज दैट ऑफ द चार्ज बॉडी, इट इज फॉल्स. देखो, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन द बॉडी टू द चार्ज ऑब्टेन सेम, जो लिखा है ना ऑब्टेन्स द सेम, तो इसको सेम को आपको काट करके अगर यहाँ पे अपोजिट लिखा होता, अपोजिट चार्ज एज दैट ऑफ द चार्ज बॉडी, तब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होता, अदरवाइज अगर यहाँ सेम लिखा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. देन फोर्थ, द डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है ये. फाइव, कंडक्टर कैन बी चार्ज इन अदर हैंड बाय रबिंग,
कंडक्टर्स को रबिंग से चार्ज कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ आना चाहिए कैन नॉट बी, कैन नॉट बी चार्ज. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रैक्टिस टाइम टू. हेयर यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज लाइटनिंग. तो डिफाइन लाइटनिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लाइटनिंग. सो आई एम राइटिंग द आंसर हेयर कि आंसर नंबर वन, लाइटनिंग इज अ डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फियरिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ट्रिगर्ड by a build up of different charges within a cloud. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर वन. आपने यहाँ पे किसको डिफाइन किया है? लाइटनिंग को. लाइटनिंग क्या है? इट इज अ डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेयरिक इलेक्ट्रिसिटी. एटमॉस्फेयरिक इलेक्ट्रिसिटी का एक डिस्चार्ज है जो कि ट्रिगर होता है कब? जब डिफरेंट चार्जेस, दैट इज ट्रिगर्ड बाय अ बिल्डिंग अप ऑफ डिफरेंट चार्जेस विद इन द क्लाउड. जब क्लाउड के अंदर डिफरेंट चार्जेस हो जाते हैं तो ये ट्रिगर हो जाता है ना, या डिस्चार्ज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग का क्या इम्पैक्ट होता है? लाइटनिंग कॉज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी दैट कॉज अ डिस्टिंग्विंग ब्राइट फॉलोड अप बाय थंडर क्लैप्स. यानी कि जनरली इम्पैक्ट ये होता है कि यहाँ पे रिलीज हो जाती है एनर्जी, है ना, रिलीज ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पे क्या होगा? लाइट जनरेट होगी और एक थंडर क्लैप जनरेट होगी. देन क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डू वी सी फ्लैश लाइट ऑफ लाइटनिंग या फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कमिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग और द ट्री. तो बिल्डिंग और ट्री की तरफ हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज, देखो, इफ अ स्ट्रॉन्ग क्लाउड विथ नेगेटिव चार्ज, अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्लाउड है नेगेटिव चार्ज का एट द बॉटम पासिंग ओवर एनी टॉल बिल्डिंग और ट्री, इट इंड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और द ट्री व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड इज सब्सटेंशियली. The charge gets transferred from the cloud to the building or the tree. That is why we see the flashlight या the flash of the lightning coming towards the building or the tree. अब इतना बड़ा आंसर मैं आपको लिख करके तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी. Fourth is, what are micro earthquakes? तो micro earthquakes क्या होते हैं? ऐसे earthquake जिनका magnitude, magnitude आप समझते हैं ना बेटे? Magnitude कितना होगा? About magnitude about 2.0 या उससे कम होगा उसको हम बोलेंगे micro earthquake. ठीक है, micro earthquake की definition में आप ये लिख सकते हैं, the earthquake with the magnitude of about 2.0 or less are usually called micro earthquake. Then fifth question is, about how many tectonic plates are present along the earth surface. Earth surface के आसपास कितनी tectonic plates हैं? तो 20. कितनी है यहाँ पे? 20 tectonic plates. Now sixth, how can volcanic activity cause earthquake? ये question बहुत interesting है और मैं चाहती हूँ कि इस question का answer आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली बताएं. ठीक है, हालांकि मैं इसका हिंट आपको दे देती हूँ कि जब अर्थक्वेक होता है
तो जो वॉल्केनिक गैस है वो कैसी हो जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है, अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जब निकलती हैं तो इनकी स्पीड कैसी होती है, बहुत हाई होती है, जो कि लीड करती है क्या, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस विथ द हाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने इसके क्लूज आपको बता दिए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि ये आंसर आप मुझे फ्रेम करके दें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर मेन बुक एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर्स। सो हेयर वी कम विथ, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस जो होता है किसी एटम का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सेकेंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट नियर टू अनदर चार्ज बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। सो इट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ, इट इज अर्थिंग। फोर्थ, वॉट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय काइट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1752। सो इट प्रूव दैट लाइटनिंग ऑकर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। 5, वॉट आर लाइटनिंग कंडक्टर्स मेड अप ऑफ, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ मेटल। देन 6 इज वॉट कॉज अर्थक्वेक, सो स्लाइट चेंज इन टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज स्लाइडिंग एंड शेकिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट अर्थक्वेक, सो सीज्मोग्राफ इज यूज टू डिटेक्ट अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 8, वॉट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, इट इज सेस्मिक जोन। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द ब्राइट फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय थंडरस्टॉर्म, इट इज लाइटनिंग। सेकेंड, टू नेगेटिव चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपल ईच अदर, अगर दो नेगेटिव चार्ज बॉडीज हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, है ना, तो इट विल रिपल ईच अदर। थर्ड, When a glass rod is rubbed with silk cloth, the glass rod acquire dash charge and the silk cloth acquire dash charge. तो जो glass rod है वो positive charge ले लेती है and जो silk cloth है वो negative charge ले लेता है, ठीक है। Then fourth, dash jar was used by Benjamin Franklin to store the charge for later use. तो लाइडन का जो जार था वो उन्होंने यूज किया था। फिफ्थ, डैश इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इज द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन अ बॉडी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सीज्मिक वेव इज कॉल्ड सीज्मोलॉजी। सेवेंथ, The outermost layer of earth is called crust. 8th, when the tectonic plate move against each other, there is a stress developed in the crust of the earth. 9th, the three keywords to remember in order to protect from an earthquake are drop, cover and hold on. Write T for true and F for false and correct the false statement. First statement is, when we rub a plastic comb in dry hair, the plastic comb acquire the positive charge. So it is false because जो plastic comb है वो positive charge की जगह कौन सा charge लेती है, negative charge, तो positive charge नहीं आएगा यहाँ। अगर यहाँ negative charge होता तो ये statement true होता, क्योंकि यहाँ पे positive charge लिखा है इसलिए ये statement हो गया false, ठीक है। अब सेकेंड, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन रबिंग एक्वायर द सेम चार्ज, तो ये सेंटेंस भी आपका फॉल्स है, क्योंकि सेम चार्जेस नहीं लेते हैं, वो लेते हैं अपोजिट चार्ज। कैसे चार्ज आएंगे यहाँ, अपोजिट
चार्ज. थर्ड, लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक एनर्जी, इट इज ट्रू. फोर्थ इज लाइटनिंग या कंडक्टर इज कैप्ट स्मॉलर इन कंपेरिजन टू बिल्डिंग, तो दिस इज फॉल्स बिकॉज द लाइटनिंग कंडक्टर्स आर कैप्ट टॉलर, है ना. स्मॉलर की जगह क्या लिखना होगा यहाँ, टॉलर, तब जाके ये स्टेटमेंट कंप्लीट करेक्ट होगा. फाइव, द हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक मोर विल बी द डिस्ट्रक्शन, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा. सिक्स, लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक द सेम लोकेशन ट्वाइस, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि जो लाइटनिंग है कैन स्ट्राइक द सेम लोकेशन मेनी टाइम्स. ओके, सेवेंथ, अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 8.0 और मोर इज कॉल्ड माइक्रो अर्थक्वेक, नहीं, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो अर्थक्वेक जो है वो 2.0 से या 2.0 या 2.0 से लेस जो है उसको हम बोलते हैं माइक्रो अर्थक्वेक, ठीक है. और अगर ये 8.0 या उससे ज़्यादा है तो वो कौन सा अर्थक्वेक माना जाता है, इट इज़ नोन एज द मेजर अर्थक्वेक, ठीक है. सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे. द कोर ऑफ, कोर इज द इनर लेयर ऑफ द अर्थ, कोर क्या है, इनर लेयर ऑफ द अर्थ है, तो ये गलत है क्योंकि कोर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. देन 9, द टर्मोन इज द इज एन अर्थक्वेक इज ऑफ एन अर्थक्वेक इज फेल्ट at the most at the epicenter, it is also true. 10th, we should stand near the window during the earthquake, this is false because you should never stand near the window during earthquake. Now moving to the next, that is match the column. Tectonic plates, tectonic plates ko jo hai wo kahan pe hoti hain, crust mein. Then सेस्मिक वेव्स, तो ये होते हैं टर्मोन्स. देन फॉल्ट जोन, फॉल्ट जोन जो होता है द वीक एरिया वेयर, जो फॉल्ट जोन होता है वो ऐसा जोन होता है जो वीक एरिया होता है वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट. इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं. न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम होता है. मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ क्या है, मेंटल. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल. तो नेचुरल डिजास्टर के दो एग्जाम्पल क्या हुए, सुनामी और अर्थक्वेक. कंडक्टर के दो एग्जाम्पल, मेटल और ह्यूमंस, ह्यूमंस आर ऑल्सो द कंडक्टर्स. इंसुलेटर के दो एग्जाम्पल, रबर और प्लास्टिक. गिव वन वर्ड और टू वर्ड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल इन एन एटम विच कैरी नो चार्ज इज न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है. द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू देम ईजीली इज नोन एज कंडक्टर्स. द प्रोसेस इन विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस स्ट्राइक ऑफ लाइट एंड साउंड, इट इज लाइटनिंग. देन फोर्थ, the scale on which the magnitude of the earthquake is measured, it is Richard scale. 5, the device developed by Benjamin Franklin, the lightning conductor. Then 6th, the process of transferring of the charge from the charge object to the earth is earthing. Now next is the fun activity, you need to write C for the conductors and I for the insulator. First is the rubber eraser, it is insulator. Then the glass, it is also insulator. Aluminium foil, it is conductor. A steel spoon, it is also conductor. A plastic bottle, it is an insulator. So here we come to the end of this chapter exercise. If you want the chapter explanation, do comment in the comment section. Stay connected to ScienceWise. Thank you, dear students.